मध्य प्रदेश के बैतूल में शुक्रवार की देर रात नेशनल हाईवे 47 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें रेलवे के सेक्शन इंजीनियर सहित चार की मौत हो गई। हाईवे पर ट्रक के पीछे कार घुस जाने से कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतकों में दो पुरुष दो महिलाएं शामिल है। तो बैतूल के मुलताई थाना क्षेत्र में NH 47 पर बैतूल से नागपुर की तरफ जा रही कार भिलाई गाँव के पास ओवरटेक करते समय ट्रक के पीछे घुस गई और जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बैतूल से नागपुर की तरफ कार से रेलवे के सेक्शन इंजीनियर संजीव कांत भगत और ट्रैकमैन राजकुमार सिसोदिया के साथ दो महिलाएं जा रही थी। ट्रक को ओवरटेक करते समय कार ट्रक के पीछे घुस गई। कार राजकुमार सिसोदिया चला रहे थे, उसकी और दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात्रि में जो है मुलताई के पास जो है लंच पटों के पास एक ट्रक का और कार का एक्सीडेंट की जानकारी है। उसमें कार चालक जो है पीछे से जो है ट्रक में जाके उसकी भिड़ंत हो गई है, जिसमें ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है, जिस पर से मुलताई पुलिस द्वारा जो है इसमें अपराध पंजीबद्ध करके मामला संज्ञान में लिया गया और जांच की जा रही है और वाहन चालक के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें